सीजनिंग चिली फ्लेक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, चिली फ्लेक्स वैसे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं पर काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। 40 ग्राम की क्वांटिटी 80 रुपीज़ में अवेलेबल होती है, पर आप इसे घर पे ही मिनिमम प्राइस से मैक्सिमम क्वांटिटी बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। चिली फ्लेक्स बनाने के लिए हमें सूखी लाल मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी। इन मिर्चों को मैंने 2 घंटे धूप में रख दिया था, इससे इस तरह से कड़क हो गई हैं। इनको सुखाने के बाद इसको हम बीच में से तोड़ के इस तरह से इसके सारे बीज निकाल लेंगे और इनके टुकड़े करके इसे एक ग्राइंडर जार में डालते रहेंगे। इनके बीजों को निकालने से ज़रूरी है, वरना ये भी मिक्सी में पिस जाएंगे तो इनका टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। फ्रेंड्स, इसको सुखाने के लिए आप धूप का इस्तेमाल करें, इसको तवे पे ना भुने, इससे इसका कलर ख़राब हो जाता है और हमारे चिली फ्लेक्स रेड कलर के नहीं बनते हैं। सब मिर्च के बीज निकाल लिए मैंने, बाकी मिर्च को ग्राइंडर जार में डाल के इसको बंद करके इसको हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसे 2 बार हल्का हल्का सा ग्राइंड करना है, इससे हमारे चिली फ्लेक्स बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, हमारे चिली फ्लेक्स इस तरह से बन गए हैं। अगर आपको 2 बार मिक्सी चलाने से नहीं बने तो आप 1-2 बार और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब हम अपने पिसे हुए चिली फ्लेक्स को, जो हमने मिर्ची के बीज निकाले थे, उसके साथ मिला देंगे। हमारे होममेड चिली फ्लेक्स रेडी हैं। अब आप इसे पिज़्ज़ा, पास्ता या किसी भी सैलेड पर डालकर इंजॉय कर सकते हैं।